ऐसा लग रहा था मुझे अपनी फोटो पहले पोस्ट क्यों करी है, मुझे ये वाली पोस्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत ही मैं अगर मैं बोलूंगा तो लोग गलत तरीका से रहेंगे, पर बहुत ही हॉट पिक्चर था वो। ऑल्सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके अगर आपने पूछना चाहता हूँ, मेरा एक और इंस्टाग्राम पोस्ट देखा उसके पहले ही आपके प्रोफाइल पे, बहुत चेक किया आपके प्रोफाइल को, आपने आपके घर पे कोक की कैन क्या कर रही है, इतने सारे कोक पीता कौन है आपके घर पे? देखा वो चैलेंज जो आपने किया उसके अंदर आपके पास 9 कोक की कैन पड़ी हुई थी जी। वो जब इसी मतलब घर पे भी कोई भी गेस्ट आ जाता है तो फिर उसको ऐसे दूसरी प्लास्टिक बोतल नहीं देते, तो घर वालों ने मतलब मुझे नहीं पता था कि घर पे इतनी सारी कैन पड़ी है, तो के लिए था। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे ऐसे ही स्क्रॉल करते टाइम एक पोस्ट देखा मैंने, तो उसने वो रेड बुल की कैन रीयूज करी हुई थी ऐसी सेम। तो सडनली मेरे माइंड में आया कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। वो एक फुटबॉलर था, मुझे ध्यान नहीं उसका नाम, तो बस एक चैलेंज था मेरे लिए और काफी डिफिकल्ट चैलेंज था। मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूंगा, पर अभी बाहर नहीं जा सकते कोक की बॉटल खरीदने के लिए, तो मैं वो नहीं ट्राई कर पाऊंगा। पर अगर फैंस अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आई थिंक वो लोग के लिए, अगर आपके घर पे कोक की बॉटल है और कोक की कैन, सॉरी बॉटल है, कोक की कैन है अगर आपके घर में, अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप नवदीप सैनी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाके देखिए, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक प्लान किया हुआ है, नो कैन कोक की कैन पे, बहुत बहुत अच्छा। और सेकंड इसके आगे हम लोग जाके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ही अलग होती है। यूजुअली बैट्समैन घर पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, यूजुअली वेट ट्रेनिंग, बट रनिंग के लिए जो आशीष नेहरा ने एक बार कमेंट किया था, जो मैं पढ़ा था एक बार, कि रनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉलर्स की लाइफ में और ट्रेनिंग रेजिम में, जो अगर आप देखे जाए तो। आप अभी कैसे, अगर ये एंटायर लॉकडाउन में आप कैसे ट्रेनिंग कर पा रहे हो रनिंग रिलेटेड या बॉलिंग रिलेटेड? मतलब रनिंग से रिलेटेड ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे घर पे स्टेयर्स होती है, वो किसी के भी, हर किसी के घर में स्टेयर्स होती है, तो मैं स्टेयर्स तो जितनी बार ऊपर नीचे, तो रनिंग सिमिलर तो ऐसे ही होगी। ओके। और जो स्टैंडिंग हाई नी ए स्किप बी स्किप ये सब खड़े खड़े जितना भी जो भी इसमें आ सकती है सारी रनिंग ड्रिल में, तो मैं सारी चीज यूज करता रहता हूँ। मतलब ये है कि उससे ये है कि थोड़ा सा रिदम बना रहे, तो मैं बेसिकली अपने आप को ऐसे परफॉर्म करता हूँ कि अपने आप अपनी अपने आप एक्सरसाइज को बनाना कि क्या चीज मेरे लिए बेटर हो सकती है, कि मैं अब घर पे हूँ तो मुझे क्या क्या चीजें सूट कर रही हैं और क्या क्या चीजें यूज कर सकता हूँ। जी ओके। और एक और क्वेश्चन यही रिलेटेड, तो आपका बहुत लोग को ये जानना है कि आपके एब्स देखने के बाद, आपके फिटनेस रूटीन देखने के बाद, एब्स तो आज बहुत वर्ड यूज होगा, आप तो वो आपके आप एक चीज है, आप टैटू करा दो वो आपके बॉडी पे, एब्स की दुकान, बहुत 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 ही एप्ट नेम है आपके लिए, आपको हमेशा रिमाइंड करते रहेगी कि नेवर लूज योर एब्स और फिटनेस, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है आपने वो चीज के लिए। बहुत डिफिकल्ट होता है ये डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, तो आप इसके इसके ऊपर ही मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपकी डाइट क्या है, सब लोग को जानना, एक्चुअली मुझे भी नहीं, बहुत लोग को, फैंस को, जो भी अभी सुन रहे हैं हमको। जी तो उसमें बेसिकली मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब जो भी मैं, चलो मैं बोल ही देता हूँ कि ऐसे अगर मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ कि घर का खाना, कि जो मैं बाहर से ग्रीन वेजिटेबल्स लेके आऊँ और मैं घर पे खुद बनाऊ, मतलब कुक करूँ, तो बाहर से कुछ भी बना हुआ ना खाऊं मैं, कि घर पे लेकर आऊं खुद हेल्दी खाना बनाऊं, मतलब यही रहता है कि मेरा कि घर पे जितना ज्यादा प्रोटीन मैं इन ग्रीन वेजिटेबल से ले सकता हूं तो वो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। उससे बॉडी भी ठीक रहती है, लीवर जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो सबसे ज्यादा ये रहता है कि प्रोटीन मैं दूसरा ना लूं जो बना हुआ है, तो मैं घर पे ही बना प्रेफर करता हूं, सबसे बेस्ट चीज वही लगती है मुझे। सेम क्वेश्चन अगर मैं अगर थोड़ा और उसको मॉडिफाई करके पूछूं, तो अगर आप जब ट्रैवल करते हो, आपका बहुत ट्रैवल रहता है, अगर आप ट्रैवल करते हो तो उस टाइम पे आप घर का खाना कैसे सोर्स करते हो आप? जी उस टाइम पे ऐसा है कि तब मैं प्रोटीन लेना प्रेफर करता हूँ, तब भी मैं यही चाहता हूँ कुछ नॉन वेज या जो हाई प्रोटीन वाली चीजें हो तो वो चीजें मैं खा सकता हूँ, पर बेसिकली क्योंकि हम इतना ज्यादा ट्रैवल करते हैं, इतना ज्यादा खेलते हैं, तो उस टाइम ऐसा रहता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए प्रोटीन लेना पड़ता है। जब आप घर पे आ गए हैं तब आप ग्रीन्स खाएं तो वो ज्यादा बेटर है, तो आपको रिकवरी का टाइम मिल जाता है, जो बॉडी का सिस्टम है तो उसको थोड़ा रिकवर होने का दोबारा टाइम मिल जाता है। तो मतलब ये सुपर
सुपर यार, फिर दिस इज लाइक अ गुड इंफॉर्मेशन कि सब लोग को पता चले कि ग्रीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, घर का खाना जो अब लॉकडाउन में सबको मिल रहा है। आई थिंक एवरीबॉडी ये लॉकडाउन की अपॉर्चुनिटी ले और घर का खाना खाए और फिटनेस पे एम्फसाइज करे। ये लॉकडाउन बेसिकली एक छुपा हुआ नुस्खा है लोगों के लिए, इफ दे वॉन्ट टू हाँ कम जी, टू फिटनेस, बिकॉज अभी कोई एक्सक्यूज नहीं होगा लोगों को देने के लिए, क्योंकि हाँ जी, लोग अब कहते हैं पास टाइम नहीं है, पर ये सबसे बेस्ट टाइम है। मुझे ऐसा लगे कि अपने आप को जी दोबारा से रिबिल्ड करने का, ट्रांसफॉर्मेशन करने का, अपने आप को जी जो जो ओके ओके एबिलिटी उसको पहचानने का, मुझे ऐसा लगे ये सबसे बेस्ट टाइम है। ओके। आपने वर्ड यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज के बारे में भी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपको। आपका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी क्या था? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा सुनने के लिए आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आपने वो अगर शॉर्टकट में ऐसा बताया जाए कि जब मैं मतलब नॉर्मल लोकल क्रिकेट खेलता था तो मुझे नॉलेज नहीं थी, पर हर जैसे जैसे मैं फॉर्मेट खेलता गया, रणजी ट्रॉफी, फिर आईपीएल खेला, फिर मैं इंडियन टीम के लिए भी खेला अभी रिसेंटली, तो हर फॉर्मेट में डिफरेंस है। मतलब जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं उसी हिसाब से आप सीखते जाते हैं। मतलब ये है कि आपने को ये ध्यान रखना है कि जब तक हम खेलते रहें तो हम सीखते रहें, जो एबिलिटी है एक, जो दूसरों से दूसरों की एबिलिटी है उसको सीखना कैसे है, जो एक भूख होती है जिसे कहते हैं कि सीखने की, ऐसा जी नहीं कि दूसरा जो कर सकता है हम उससे थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यार वो कर सकता है छोड़ना हमें क्या जरूरत है, चाहे हमसे जी कोई छोटा भी हो। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ कि जो कोई छोटे बॉलर भी हैं तो अगर मुझे उनकी कोई चीज अच्छी लगे तो मैं उनसे पूछता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो चीज मेरे लिए नहीं फायदेदार, तो अगर मैं ओके उनसे कहूँ तो बेनिफिट मेरा है तो मैं ग्रो करूंगा उस चीज से, तो कभी ऐसा नहीं होता। तो मैं सीखता जाता हूँ हर फॉर्मेट के हिसाब से, एक स्टेप बाय स्टेप। वाह, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सैनी। आप सब व्यूअर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्निंग का जो सोर्स होता है बड़ा छोटा नहीं होता है, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ अ सक्सेसफुल एथलीट पर्सन कि अगर वो लर्निंग बंद कर देता है तो उसका का ग्रोथ भी बंद हो जाता है। वही वही कहना चाहते हैं। तो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसके पहले, जब नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ द शो में जाएंगे जो एक्चुअली एक्सरसाइज दिखाना होता है अपने व्यूअर्स के लिए जो कर सकते हैं, उसके पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो सिक्स पैक्स आपके है उससे आपको काफी अटेंशन तो मिला ही होगा, तो आपके मम्मी पापा आपके लिए लड़की ढूंढ रहे होंगे अभी, तो आपने मैट्रिमोनियल फोटो पे आपने ऐसी कोई पिक्चर भेजी है? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब मेरी मॉम मुझे बोलते रहते हैं शादी कर ले, ये शादी के लिए लड़की देख लेता हूँ रिश्तेदार से ये आ रहा है, पर मेरे पापा अच्छे हैं तो मतलब पापा को मैं बोल देता हूँ कि आप मम्मी को मना करें कि शादी का भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि मुझे अपना एक स्टैंड बनाना है जो मैं करना चाहता हूँ। नहीं, वो ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं था मेरे को। मेरा क्वेश्चन था कि आप अगर फोटो भेजेंगे मैट्रिमोनियल में तो क्या आप एक टॉपलेस पिक्चर, आपका शर्टलेस पिक्चर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, मेरे को वो जानना भेज सकता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा रिश्ते। था। फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपको। ओके, यूजी ने एक कमेंट भेजा है, वो बोल रहा है कि आपने उसका चैलेंज चुरा लिया जो आपने अभी वो कोक कैन पे किया था, तो वो बोल रहा है कि तो मुझे बिल्कुल, मैंने उन सबसे पहले मैंने देखा उनका ही था, क्योंकि उन्होंने ग्रुप में एक वीडियो डाला था वो कैन वाले ही सेम, जी तो फिर ऐसे ही कर दिया मैं, कह यार ये होगा तो नहीं, तो फिर मैंने बाद में एक बार फिर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मुझे ट्राई जी करना चाहिए, तो मैंने करा वो हो गया, तो बस ये गल ये थोड़ा सा रह गया कि मुझे चहल भाई को भेजना चाहिए था। जी क्योंकि चहल उन्हें जो क्लियरली मेंशन किया है कमेंट पे कि आपने उनका चैलेंज चुरा लिया, और वो काफी दुखी है और हंस भी रहे हैं वो चीज के ऊपर। ओके, सो सैनी नवदीप, वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो। ये पार्ट में हम लोग व्यूअर्स को एक रूटीन, एक्सरसाइज का एक रूटीन बताएंगे जो वो घर पे कर सकते हैं। तो मैं आई विल डेमोन्स्ट्रेट थ्री एक्सरसाइज जो मैं दिखाऊंगा वो व्यूअर्स के लिए। वाइल जब जब मैं ये एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन है जो आप डायरेक्टली व्यूअर्स को आंसर कर सकते हैं कि आपका फील, व्हाट व्हाट वर द फील्स व्हेन जब आप इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए थे, आपका वो एक्सपीरियंस क्या है इंडियन टीम में सेलेक्ट होने का और उसके बाद? मतलब उसका मतलब वो मेरे लिए एक ड्रीम था जो मैं शुरू से देखता आ रहा था कि उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है नीचे से लेके इस लेवल तक आया, तो वो मैं मतलब किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो लेवल ही ऐसा था और वो मेरा ड्रीम था जिसे मैंने अचीव करा है अभी तक। बस ये है कि अब मैं उसी चीज को कंटिन्यू करता रहूं, मतलब वो एक एक्सट्रीम लेवल है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है, हार्ड वर्क करा है, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब आप ओके, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किस क्या लेवल हो सकता है मेरे लिए। वाह,
वो एक्चुअली गूज़बम्प वाला लेवल होगा जहां पे आपके रोंगटे खड़े हो जाए सोचने के पर. ओके, तो मैं जाके क्विकली तीन एक्सरसाइज दिखाता हूँ फॉर द व्यूअर्स. दिस इज फॉर द व्यूअर्स गाइस. सो वी आर एट दैट टाइम ऑफ द शो वेयर आई एम गोना डेमोंस्ट्रेट थ्री एक्सरसाइज दैट यू प्रोबेबली डू. And this is inspired out of Navdeep Saini's routine. So we've got three exercises that actually curated out of Navdeep Saini. So what you're gonna do is you're gonna do five rounds of these three exercises back to back without a break. The first exercise is called wall run. The second exercise is called jump over chairs because it's a home workout. And third one is keeping Navdeep Saini's abs. We've got something called as double crunch that's gonna help you build core strength. Navdeep is laughing the minute I say abs. Navdeep starts laughing. So, okay, the first exercise, wall run to build lower body explosive strength. The whole purpose of this is that you get onto the wall and then you run as fast as you can. So you push the wall. That's first exercise. You gotta do this for 30 seconds and immediately move on to chair jump overs. You get a chair. Everybody, I'm sure, has a chair at in your house. What you're gonna do is, I know you wanna get explosive, so you're gonna jump over the chair. You're gonna do 10 of these. And the third exercise is double crunch. So you're gonna do 10 of double crunch, which will look something like this. Okay, so sab log ko, you've got to do five rounds of this totally. You 30 seconds of wall run. Aap wall run karte ho, Saini? Do you do wall हाँ run? जी It's a बहुत very बहुत जरूर good, yeah, it's a very important exercise for somebody who wants to build explosive legs. And then we've got jumps that you could probably do over the chair if you got it at your house. And the third one is double crunch to maintain your abdominals. So you got to do 30 seconds of wall run, 10 jump on the chair, and then 10 ab crunches. You got to do five rounds of this, and the target time to finish this is 6 minutes. 6 minutes में कर सकते हैं ना, सही भाई? हाँ इजी जी है, सिक्स आराम से. ना तो 6 मिनट्स हाँ में ये तीन पांच राउंड करने हैं सबको. दिस इज हाउ यू गोना बर्न एटलीस्ट 80 to 90 कैलोरीज. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शो. इट्स कॉल्ड rapid fire. We are almost at the end. Saini bhai, we are almost at the end of today's show, but the most important thing is the rapid fire, the fun part of the show. Are you ready for this? हाँ तो आपको जो भी बोलना है बहुत ऑनेस्टली बोलना है. नो डिप्लोमेटिक आंसर्स. एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो. सो आप जो भी कह सकते हैं आपको कहना पड़ेगा. सो सब कहते हैं कि आपकी बेस्ट फिजिक है आरसीबी टीम में. सो आपके जी आपके हिसाब से फिटेस्ट कौन है कैप्टन कोहली के अलावा? कैप्टन कोहली के अलावा अगर मुझे किसी को चैलेंज देखता हूँ तो मैं एबी डिविलियर्स को देखता हूँ। ओके, एबीडी. देन बहुत न्यूट्रल आंसर देना एट दिस पोजीशन. डू नॉट, ये आप आंसर बॉलर समझ के मत देना. जी जी सिक्स मारना मुश्किल है या यॉर्कर डालना मुश्किल है? यॉर्कर यॉर्कर डालना मुश्किल है. ओके, अगर आपको पता चले कि आप एक दिन सुबह उठ के आप यूजी बन गए हो तो आप कौन सी एक्सरसाइज करना चाहोगे? तो रनिंग करना ज्यादा बेहतर है। यूसी बन के आप रनिंग करना जाना पसंद करोगे? ओके, अगर आप पार्थिव पटेल बन के उठे तो आप कौन सी एक्सरसाइज करोगे? तो पार्दी भाई अलगे तो मैं दोबारा फिर से सोना ट्राई करूंगा। ओके, अगर आप ये पेसर्स जो आरसीबी के जो पेसर्स हैं उसके साथ अगर आप रेस लगाएंगे जो आप 70 मीटर या 80 मीटर डैश बोलते हैं उसमें कौन जीतेगा? उमेश यादव, क्रिस मॉरिस या आप तीनों में से कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा, नो डाउट। सीरियसली? नो डाउट. ओके, वाओ. आपका बेस्ट वर्कआउट पार्टनर कौन है, सुंदर, गुरकीरत या पार्थिव पटेल? ये तीनों में से अगर आप वर्कआउट पार्टनर बनाओगे तो गुरकीरत. गुरकीरत ओके, बहुत कम क्वेश्चंस बचे हुए हैं. जिम में ये किस आरसीबी प्लेयर पे ये डायलॉग फिट बैठता है, कभी कभी लगता है अपू नीच भगवान है? विराट भाई पर। ओके, विराट के अलावा? अच्छा विराट भाई के अलावा तो जी, और एबीडी के अलावा बाकी जो मेंबर्स है टीम में उसके?
तो अभी जो करंट में प्लेयर है ऐसे इसी साथ कोई कोई भी है जो आरसीबी के प्लेयर्स होंगे, यूजी भाई का एटलीस्ट रैपिड फायर में 3 बार नाम आता है, ये 4 जो एपिसोड हम लोग ने किए थ्री टू फोर टाइम यूजी भाई का नाम आता है, बहुत पॉपुलर है यूजी और बहुत 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 मस्ती भी करते हैं कमेंट सेक्शन पे, नॉन स्टॉप कॉमेंट्री चलती है उनकी जी. ओके तो एक और क्वेश्चन, अगर आप एक जो एक जिम इक्विपमेंट होता है अगर आपको वो टैटू कराना हो तो कौन सा जिम इक्विपमेंट आप टैटू कराओगे? आप टैटू आपके पास आपने टैटू किया हुआ है मुझे लगता है कि आपके पास एक टैटू है, तो अगर आप एक और जिम इक्विपमेंट को अगर टैटू करना चाहोगे तो कौन सा इक्विपमेंट होगा? तो मैं डंबल ही करवा सकता हूँ. मैं डंबल बारबेल या ऐसा कुछ डंबल नहीं नहीं डंबल बार वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना अभी. ओके बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द शो, ये बहुत पॉपुलर डिमांड एंड रिक्वेस्ट है सब लोग के, आप सब लोग को आपके एब्स देखने ऑनलाइन, ये रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करनी होगी आपको फॉर द फैंस. दो पैक है अभी, देखिए अगर आप फॉर द फैंस इफ यू कैन जस्ट लिफ्ट योर टी शर्ट अप एंड शो योर स्टनिंग सिक्स पैक इट वुड बी ग्रेट, आई विल प्रोबब्ली टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो. मतलब ये सिर्फ लास्ट, इसके बाद तो कुछ नहीं कहेंगे ना आप, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये नहीं नहीं ये वो टाइप का शो नहीं है, ये वो टाइप का शो नहीं है, बिलो बेल्ट नहीं जाएंगे हम, बेल्ट के ऊपर ही रहेंगे तो आप टेंशन मत लीजिए वो चीज के बारे में. एब्स और मैं स्क्रीनशॉट लाऊंगा और दैट्स अबाउट इट, और एक थ्रो डाउन चैलेंज होता है जो हम लोग फैंस को देते हैं, वो फैंस को थ्रो डाउन चैलेंज देंगे और फिर दैट्स द एंड ऑफ टुडेस शो. सो 3 2 1 एंड गाइस दिस इज नवदीप विद हिज Bye. पत्थर की दुकान, ये ग्रेनाइट फैक्ट्री है ये तो. मैंने आपको बोला था ना ये ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बेस्ट आइडिया, मतलब इस टाइम पे बेस्ट टाइम है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, तो अब घर पे रह करना तो है नहीं, मतलब सुबह शाम वर्कआउट के हिसाब से, तो उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना आगे के लिए कि आगे कोई दिक्कत ना रह जाए, तो इसलिए अभी प्रिपेयर अपने आप को. बहुत ही इंस्पिरेशनल सीन सैनी भाई, वेरी इंस्पायर्ड, आई थिंक बहुत लोग ये चीज से बहुत फायदा लेंगे. ओके दिस इज द टाइम वेयर हम लोग फैंस को थ्रो डाउन देंगे, जो थ्रो डाउन हम लोग यूजुअल हर एपिसोड में देते हैं, तो वो लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करके हमको वीडियोस भेजते हैं जो आरसीबी ऐप पे पोस्ट होता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है, और हम लकी विनर्स को एक गुडी बैग देते हैं आरसीबी की, जो यूजुअली साइंड ऑटोग्राफ अपैरल्स होते हैं या कैप होता है, मर्चेंडाइज होता है, जो बैग में डाल के हम लोग पोस्ट लॉकडाउन देंगे. तो आज का चैलेंज है 45 सेकंड्स के अंदर बॉटल के ऊपर कितनी बार आप लैटरल जंप कर सकते हो. सो गाइस फॉर द व्यूअर्स दिस इज द चैलेंज फॉर टुडे, द थ्रो डाउन इज गेट अ बॉटल, बॉटल आपको रखना है आपके साइड में और 45 सेकंड्स में आप कितनी बार बॉटल के ऊपर से जंप कर सकते हो वो वीडियो बना के हमको भेजिए. आई मीन और यू हैव टू टैग आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को टैग करना है, आपको नवदीप सैनी को टैग करना है बिकॉज दिस इज नवदीप थ्रो डाउन चैलेंज. और सब लोग आरसीबी का ऐप प्लीज डाउनलोड कीजिए, ये वीडियो आपको पोस्ट आरसीबी की ऐप में ही करनी है, हम लोग वहां से ही व्यूअर्स को विनर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और दिस विल बी पोस्टेड, आपको अगर फीचर होना है आरसीबी के इंस्टाग्राम पेज पे दिस इज द बेस्ट वे टू गेट योरसेल्फ फीचर्ड. 45 सेकेंड्स में आप कितने बार बॉटल के ऊपर लैटरली जंप कर सकते हो, प्लीज टेक अ वीडियो एंड सेंड इट टू अस, वी विल सेंड योर गुडी बैग फॉर श्योर. ऑलराइट सो सनी भाई दिस इज द एंड ऑफ द शो, थैंक यू सो मच. मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या मैं भी ये वीडियो भेज सकता हूँ अगर तो क्या पता मुझे भी मिल सकती है? आपको आपकी ऑटोग्राफ कैप मिलेगी, तो आप एक काम कीजिए आपके कैप पे आप ऑटोग्राफ लेके आप पहन लीजिए, बट प्लीज गो अहेड, हम देखना चाहते हैं कि आपका क्या बेंचमार्क क्या है हम लोग को बीट करने का. सो इफ यू वांट टू प्लीज गो अहेड एंड पोस्ट बॉटल लेके लैटरल, क्योंकि आपको बॉटल कैन तो पसंद ही है आपको, तो ये तो पता चल ही गया आपको, तो आप कर ही सकते हैं. ओके वेरी गुड स्पीकिंग टू यू नवदीप, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर इंस्पिरेशनल मैसेजेस दैट यू जो आप व्यूअर्स को दिए हो. वी विल सी यू अगेन इन एक्शन व्हेनेवर द नेक्स्ट
मैच टेक्स प्लेस. डू यू वांट टू एडवाइज और डू यू वांट टू गिव आउट अ मैसेज टू आवर व्यूअर्स, जो भी बताना चाहते हो कि ये टाइम पे आप अंदर रहो घर पे, गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, और जो भी अगर आपको बताना चाहते हो तो. जी मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो, उसका मतलब अगर मेरी नॉलेज में है तो वो सेल्फ लव की तरह है. मतलब सेल्फ डिसिप्लिन ही सेल्फ लव है. अपने आप को जितना ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो मेरे एक एडवाइस है कि सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की तरह रहे, अपने आप को बनाए, तो यही है मेरा. Wow, it's a very beautiful point. Self-discipline is equal to self-love, guys. So if you are loving, if you love yourself, you'll probably be very disciplined about keeping yourself healthy and fine. So stay safe, stay indoors, follow everything you could probably do to contain the entire coronavirus issue that going on in the country. Thank you so much, Navdeep, for joining us. We'll see you in action soon, as soon as possible, when the whole world is fine again. Till then, keep training and keep rolling it the way you're doing. बहुत अच्छी और आपकी Instagram post पे हम लोग wait करते रहेंगे कि कब आप post कीजिए. All right, thank you so much, Navdeep.